चीन सालों से भारत के खिलाफ चालबाजी करता आया है। उसके धोखे की लंबी फेहरिस्त है। भारत की बढ़ती ताकत और सामरिक शक्ति चीन को कभी रास नहीं आई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत ने चीन से लगने वाली सीमा के करीब काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। यही बात चीन को पच नहीं रही है। इसी की खींच निकालने के लिए चीन लद्दाख में एक नहीं चार चार जगहों पर हिंदुस्तान को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा था। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में भारत चीन सीमा पर पिछले दो महीने से जिस तरह का तनावपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखते हुए ये जरूरी हो गया है कि भारत अपनी सैन्य ताकत में तेजी से इजाफा करे। वायुसेना के आधुनिकीकरण की कोशिशें तो काफी पहले से हो रही है, लेकिन हाल की जरूरतों को देखते हुए इसमें किसी भी तरह की देरी की गुंजाइश नहीं है। और इसी को देखते हुए भारत ने पिछले दो महीने में अपनी वायुसेना को काफी मजबूत किया है। फिर चाहे रूस से सुखोई विमानों का सौदा हो या फिर फ्रांस राफेल विमान का इसी महीने मिलना, वायुसेना अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से सुसज्जित है। पिछले साल वायुसेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E को अपने बेड़े में शामिल किया था। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर भी सेना में शामिल किया गया था। ये लड़ाई में शामिल होने वाले ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध का रुख बदल देते हैं। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिकी कंपनी बोइंग ने डील के मुताबिक भारत को सभी अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं। 22 में से 5 अंतिम अपाचे हेलीकॉप्टर AH-64E और 15 में से 5 चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को हिंडन एयरबेस पर मिले। इसके बाद भारत की आसमानी ताकत और बढ़ गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को भारत की इसी ताकत के बारे में बताने वाले हैं। वायुसेना की ताकत में हुआ डबल इजाफा। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को 5 और अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। इसके साथ ही अब भारतीय वायुसेना के पास सभी 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर परिचालन के लिए तैयार हैं। साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर भी भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। अमेरिकी कंपनी बोइंग के जरिए 22 में से अंतिम 5 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को जून के महीने में सौंप दिए गए थे। बोइंग ने एक बयान में कहा कि 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के अंतिम 5 हेलीकॉप्टर हिंडन एयरबेस पर वायुसेना को सौंपे गए हैं। इसके अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी मार्च के महीने में कर दी गई थी। बोइंग कंपनी ने इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी ऐसे समय पर की है जब भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है। ऐसे समय में इनकी संख्या में इजाफा होना वायुसेना की ताकत को और बढ़ाता है। खतरनाक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है अपाचे। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर माना जाता है और खास तौर से ये माउंटेन वॉरफेयर के लिए बहुत बेहतरीन है। अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों में तालिबान के खिलाफ कर रही है। वर्तमान में अपाचे हेलीकॉप्टर लद्दाख में सेना का हिस्सा है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल से लेकर किसी भी मुश्किल हालात में उड़ान भरने की काबिलियत है। 350 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से उड़ान भरने वाला अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर पिछले साल ही वायुसेना की बेड़ी में शामिल किया गया था। पूरी दुनिया में अपनी मारक क्षमता के लिए मशहूर है अपाचे हेलीकॉप्टर। इसमें आधुनिक टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन सिस्टम है जो मौसम की जानकारी भी देता रहता है। इसमें अंधेरे में देखने की क्षमता भी है जो कि सेना के लिए बहुत मददगार है। समुद्र के ऊपर उड़ान भरने और ऑपरेशन करने में भी ये सक्षम है। भारत ने अपाचे का सबसे एडवांस वेरिएंट AH-64E खरीदा है। ये अभी तक 17 देशों के पास ही है। AH-64E अपाचे में लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम, नेविगेशन सेंसर और वेपन सिस्टम लैस है। इसमें ऐसा सिस्टम लगा है जिसके जरिए दिन रात सभी तरह के मौसम में टारगेट के बारे में आसानी से जानकारी मिलती है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार सरहद पर नजर रखे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले रात में अपाचे हेलीकॉप्टर ने अपनी ताकत का अंदाजा चीन को करवाया था। हैवी लिफ्ट के लिए जाना जाता है चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर से युद्ध के हथियारों को ले जाने में मदद मिलती है। हाल के दिनों में लद्दाख के कई इलाकों में रोड बनाने में भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। भारत ने सितंबर 2015 में बोइंग के साथ 8,048 करोड़ रुपए में 15 CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था। यह हेलीकॉप्टर बेहद भारी भरकम सामान को ले जाने में सक्षम है।
इस हेलीकॉप्टर की खासियत है कि ये छोटे हेलीपैड और घनी घाटियों में उतर सकता है। दुनिया भर में 20 देशों की सेनाएं चिनूक हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेती हैं। ये विश्व का सबसे अधिक विश्वसनीय और क्षमतापूर्ण हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। 50 साल से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ज़्यादा ऊंचाई या फिर गर्म जगहों पर भी ये सफलतापूर्वक उड़ान भर सकता है और अपने काम को अंजाम दे सकता है। इसमें मॉडर्न एयरफ्रेम, कॉमन एवियोनिक्स आर्किटेक्चर सिस्टम, कॉकपिट और डिजिटल ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये सेना की ताकत बढ़ाने के लिए एक कारगर हेलीकॉप्टर है। लद्दाख जैसे इलाकों के लिए चिनूक को सबसे बेहतर माना जाता है। चिनूक हेलीकॉप्टर की क्षमता और तकनीक की मदद से भारतीय वायुसेना अपने अभियानों को आसानी से पूरा कर सकती है। यह हर मौसम में अभियान को सफल बनाने की क्षमता रखता है।